हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन ऐसा क्या कहना चाहते हैं आपसे इस रीडिंग के माध्यम से, जो आपका पता होना ज़रूरी है, आप तक वो मैसेज पहुंचना ज़रूरी है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आपके सामने आएगी मेरी कोई भी पुरानी वीडियोज़, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको उस वीडियो से मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रून से, रून के कार्ड्स हैं गाइस। तो हम रून से देखेंगे पहले कि आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, और फिर हम ये दोनों क्यूटी पाई डेक से भी कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। क्या मैसेजेस हैं? ओके, एक बार में ही आ गए हमारे पास। वी हैव मनास, बरकाना, रागुस, वन मोर कार्ड। ओके, वी हैव वुन्यो एंड एंगुस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है ओथेला। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है, सबसे पहले मैं बता दूँ, कुछ लोगों के पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं अभी इस वक्त कि इनके लाइफ का पर्पज़ बहुत बड़ा है। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन सोशल वर्कर हों, या एनजीओ में काम करते हों, या इनका खुद का कोई सोशल फाउंडेशन हो जो लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, एनिमल्स के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हों, या फिर ये कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हैं अपनी लाइफ में जिससे कि लोगों का भला हो। मतलब कुछ इस तरीके के मैसेजेस हैं जो आप तक वो पहुँचाना चाहती हैं या पहुँचाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से, कि ये अपने लाइफ के सोल पर्पज़ या अपने सोल मिशन की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना दे पा रहे हों। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जैसे हो कि कोई ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहते हैं जिसके कारण उनके पास इतना पावर हो कि ये लोगों की हेल्प कर सकें, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, ऐसी पोजीशंस जिसमें ये लोगों के लिए कुछ कर सकें, कुछ सिचुएशंस को रिफॉर्म कर सकें। तो इनके कुछ टारगेट्स हैं इस तरीके के। सेकंड मैसेज जो यहाँ पर है, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन, हो सकता है कि, देखिए यहाँ पे तीन मैसेज आ रहा है, मैं तीनों मैसेज वन बाय वन बताऊँगी जो मैं पिक कर पा रही हूँ। पहला मैसेज यहाँ पर उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन किसी और पर्सन के साथ मैरिड हैं, या उनके बच्चे हैं, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उनका ये मैसेज है कि ये आपके साथ नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, बट क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ भी नहीं सकते। तो ये कंफ्यूज हैं कि ये करें तो करें क्या, ठीक है, इसलिए ये जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में जा रहे हैं। सेकेंड मैसेज कुछ लोगों का ऐसा है कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से दूर हैं, या आप अपने बच्चे से दूर हैं। हो सकता है कि आपके पास बच्चे ना हो, बच्चे आपकी वाइफ के पास हो या हस्बैंड के पास हो, मतलब कुछ इस तरह का भी कुछ सीन है कुछ लोगों का, जैसे वाइफ मायके में चली गई हो बच्चों को लेके, या हस्बैंड बच्चों को अपने पास रखे हो, वाइफ दूर हो। अगर किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट होता है तो वो लेगा। ऐसे लोग जो सेपरेशन में, उनकी उनके बच्चों से बात हो सकती है, या वो पर्सन अपने बच्चों से बात करने के लिए परेशान है, इस तरह का भी कोई मैसेज है। तो वो आपको कॉल मैसेज कर सकता है कि मुझे बच्चे से बात करनी है, या बच्चे को दिखा दो, इस तरह के भी मैसेजेस हो सकते हैं। थर्ड जो मैसेज यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ, वो कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिनकी खुद की मदर इस रिश्ते के लिए अग्री नहीं कर रही हैं। यहाँ माँ और बच्चे की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ लोगों की मदर अग्री नहीं कर रही हैं, और मदर की वजह से ये, क्योंकि ये मदर से बहुत अटैच्ड हैं, क्योंकि ये मदर से बहुत प्रेम करती हैं या करते हैं, ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, जबकि ये आपसे बहुत प्यार करती हैं या करते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज है, ये तीन मैसेजेस यहाँ पर पिक हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन अपने आप को जानबूझ के आपसे दूर करते जा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये इस सिचुएशन में अडाप्ट कर लेंगे और चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये
इस सिचुएशन में जाते जा रहे हैं, दूर तो जाते जा रहे हैं, बट ये अपने माइंड से आपकी एनर्जीज़ को नहीं निकाल पा रहे, तो ये वापस खींच कर आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसे एक मैग्नेट होता है जो चुंबक से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता, अगर आप थोड़ा भी करीब उसको उसकी मेमोरीज लेकर आओ तो वो चिपक जाएगा। तो इस तरह से आपके पर्सन और आपके बीच में एक मैग्नेटिक पुल है, तो वो कितना भी अपने आप को खींच कर आपसे दूर ले जाने की कोशिश करें बट ये नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये वापस आने की वाइब्रेशन है। बहुत सारे लोगों का यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में अगर कोई टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, टॉक्सिक लोग हैं, अथॉरिटेटिव लोग हैं, तो यहाँ पर रिलीज़ की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की लाइफ से आपके पर्सन ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई टॉक्सिक लोग हैं तो ये उन सिचुएशन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। We have listening, strength, peace. Bottom of the deck है release. तो यहाँ पर जो energy है, आपके person सुनना चाहते हैं आपको, आप अपनी intuition की आवाज़ सुन रहे हैं और आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हमेशा पीस रहे, कभी भी हारमोनियस एनर्जी रहे, कभी भी झगड़े ना हो, लड़ाइयाँ ना हो। ये कुछ स्टेप्स भी आपके लिए इस कनेक्शन के लिए लेना चाहते हैं। इस तरह के भी मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। टैरो से अगर हम 3 कार्ड लें तो हमारे पास जो मैसेजेस आए हैं वो है 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वांड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। इनकी एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, पैशनेट हैं, रोमांटिक एनर्जी है। इन्होंने कई बार आपकी लाइफ में आया है, आपको मैसेज किया और फिर भाग गए हैं, पीछे हट गए हैं, चीट करा है, धोखा दिया है, लेकिन ये आपसे फिर भी दूर नहीं हो पा रहे। ये जानते हुए भी कि आप हर्ट हैं, ट्रिगर्ड हैं, ये वापस आपको याद कर रहे हैं और आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। कई लोगों के पर्सन को तो अपनी गलतियों का पछतावा भी है, तो ये आकर अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं। हो सकता है पास्ट की हुई गलतियों के लिए सॉरी भी बोलें, अपॉलॉजी भी दें। तो ये थी गाइस आज की एनर्जी। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।